सेंट बर्नार्ड एक ऐसी लार्जेस्ट डॉग ब्रीड जिसे काफी अच्छा फैमिली डॉग माना जाता है। तो क्या ये डॉग ब्रीड फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए सही है या फिर नहीं? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहें। तो इनके बारे में बात करने से पहले, ये हमारी वो संडे स्पेशल वीडियो जिसमें आप लोगों को बहुत सारे डॉग्स देखने को मिलते हैं और सभी का प्राइस पहले से काफी कम हुआ मिलता है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो माइंड में ये आता है कि सेंट बर्नार्ड एक लार्जेस्ट डॉग ब्रीड है, तो अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो क्या हम लोग इस डॉग ब्रीड को परचेज कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स गाइस, यू कैन गो फॉर इट, बिकॉज सेंट बर्नार्ड छोटे बच्चों के लिए बहुत ही सेफ और बहुत ही जेंटल होते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का मानना है कि सेंट बर्नार्ड गर्म वेदर में नहीं रह सकते, ये सिर्फ ठंडे वेदर में रह सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता। अगर आप लोग इन्हें कूलर एसी प्रोवाइड करा सकते हैं तो इसलिए आप लोग इन्हें किसी भी टाइप के वेदर में रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, सेंट बर्नार्ड कोई कॉमन डॉग ब्रीड नहीं है, दे आर वेरी गुड कंपेनियन डॉग ब्रीड और ये एक वन मैन आर्मी की तरह होते हैं। अगर आप लोग इन्हें साथ में वॉक पर लेके जाते हैं तो डेफिनेटली लोग इन्हें रुक कर जरूर देखेंगे। सेंट बर्नार्ड बहुत ही अच्छे वॉक डॉग्स होते हैं और ये इजी टू ट्रेन होने की वजह से लोग इन्हें काफी पसंद करते हैं। सेंट बर्नार्ड वैसे तो काफी अच्छे फैमिली डॉग्स होते हैं, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि आप लोग इनकी बिना परमिशन के घर के अंदर घुस सकें। वैसे ये बहुत ही हाई एनर्जी लेवल के डॉग्स नहीं होते जो हमेशा खेलने के लिए रेडी रहें, लेकिन इन्हें अपनी फैमिलीज के साथ एक लंबी वॉक पर जाना काफी पसंद होता है। तो अगर आप लोग एक यूनिक सी डॉग ब्रीड परचेज करना चाहते हैं तो सेंट बर्नार्ड आप लोगों के लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन है। एंड गाइस, पपीज की क्वालिटी भी बहुत ही शानदार है। बाकी पपीज को परचेज करते टाइम आप लोगों को उनकी पेरेंट्स की क्वालिटी भी जरूर देखनी चाहिए और ओनर आप लोगों को इन पपीज के मदर फादर की फोटो वीडियोस व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, तो आप लोग उनसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस सुपर डॉग ब्रीड के बारे में और बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले ये है हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट है स्नाइपर किंग, सेकंड है पीके गेमिंग एंड थर्ड है नितिन ब्राह्मण। तो फ्रेंड्स, ये जो सेंट बर्नार्ड पपीज हैं, आज ये एग्जैक्ट 1 मंथ के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है झज्जर हरियाणा से। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है या फिर आप लोग ओनर के पास विजिट नहीं कर सकते, तो ओनर आप लोगों को डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे अप टू 100 किलोमीटर तक, या फिर अगर आप लोग चाहें तो ओनर के घर जाकर भी इन पपीज को परचेज कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है, बट अगर आप लोग डिलीवरी का ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो वो आप लोगों का खुद का रिस्क होगा। एंड गाइस, प्राइसिंग की बात भी कर लेते हैं। बाकी प्राइस ओनर ने काफी जेन्युइन रखा है, तो ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 20,000 रुपीज 20,000 रुपए एंड फीमेल की है 15,000 रुपीज यानी 15,000 रुपए। एंड अगर आप लोग इन्हें पेयर में परचेज करते हैं तो ये आप लोगों को 33,000 यानी 33,000 रुपए में मिल जाएंगे। बाकी गाइस, प्राइस नेगोशिएबल है, परचेज करते टाइम आप लोगों को इसमें थोड़ा बहुत डिस्काउंट डेफिनेटली मिल जाएगा। बाकी पपीज की क्वालिटी के हिसाब से प्राइस आप लोगों को कैसा लगा ये चीज मुझे लिखकर जरूर बताएं। तो मिलता हूँ आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।